आज ही डाउट नेट ऐप डाउनलोड करें डाउट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ कि द टोटल लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर फिक्स बिटवीन टू ब्रिजेस इज 110 सेंटीमीटर नाउ टू मोर ब्रिजेस आर प्लेस्ड to divide the length of the wire in the ratio 6:3:2 if the tension in the wire is 400 newton एंड मास यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज पॉइंट जीरो वन दैन द मिनिमम कॉमन फ्रीकुंसी विथ विच ऑल थ्री पार्ट्स कैन वाइब्रेट इज ठीक है एक्चुअली क्या है हमारे पास एक सोनोमीटर वायर है इसकी हमें लेंथ दी गई है 110 सेंटीमीटर यानी कि 110 सेंटीमीटर ठीक है अब सोनोमीटर वायर है तो ये जो दोनों होंगे हमारे ये दोनों एंड्स ये तो नोड होंगे ऑलरेडी ठीक है अब हमसे बोला गया है कि हमने इसमें सिक्स टू थ्री टू टू के रेशियो में ब्रिजेस रख दिए हैं जिससे अब ब्रिजेस रखने से क्या होंगे जिस भी लोकेशन पे रखे गए होंगे ब्रिजेस उन सारे लोकेशन पे हमारे नोड्स बन जाएंगे अब जब हम वो सब हमारे नोड्स बन जाएंगे हम दिखेंगे सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स क्योंकि रेशियो में इसी रेशियो में होगा और इजी कॉस्टू वन हंड्रेड टेन सेंटीमीटर ठीक है तो x की वैल्यू आ जाएगी टेन सेंटीमीटर ठीक है अब हम इसमें ब्रिजेस बनाकर देखते हैं अब हम इसमें ब्रिजेस बनाकर देखते हैं पहला इसमें बोला है सिक्स एक्स पे सिक्स एक्स मतलब तो ये हमारे हो होगी वायर ये हो गया सिक्सटी पे हमारा पहला ब्रिज दूसरा ब्रिज है थ्री एक्स थर्टी मतलब 60 30, तो यहां पर दूसरा ब्रिज और तीसरा ब्रिज है टू एक्स ट्वेंटी तो मतलब सिक्सटी प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी यानी कि लास्ट हमारा ब्रिज ये जो उसका अपना खुद का ब्रिज था वो हो गया ठीक है अब हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिस पर हमारे ये जो तीनों के पर तीनों पार्ट्स वाइब्रेट करेंगे ठीक है वी इज इक्ल्स टू एफ लैमडा ठीक है और एफ को अगर हम मिनिमम करना चाहिए तो हमें लैमडा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम देखो अगर राइट right से शुरू करें तो हमारे यहाँ पास है ट्वेंटी ठीक है हम राइट right से अगर शुरू करते हैं तो हम जैसे ही सबसे हमें क्या चाहिए एफ की चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी अब मिनिमम चाहिए तो लैमडा मैक्सिमम होगा तो ट्वेंटी के लिए ये नोड होना चाहिए तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है लैमडा की कि जब हमारी जो वेव हो वो कुछ इस टाइप की हो ठीक है और ये हमारा नोड है दोनों ठीक है तो इस केस में लैमडा की वैल्यू कितनी होगी लैमडा बाई टू इज इक्वस टू ट्वेंटी तो, तो लैमडाज इक्वल्स टू तो फोर्टी सेंटीमीटर लेकिन इस केस में तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये यह यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है इतना लेकिन जब ये यह यहाँ से जाएगा तो इस केस में ये ऊपर आने लगेगा लेकिन यहाँ पर हमें ये नोड होना चाहिए इसलिए लैमडा इको टू फोर्टी पॉसिबल नहीं है तो फिर और क्या पॉसिबल है फिर हमें इसके बाद अब कौन से ऐसे वेवलेंथ मिलेगी कि हमारा ये फिर से नोड हो जाए तो तब होगी जब हमारे लैमडा की वैल्यू हो जाए ट्वेंटी जब लैमडा की वैल्यू ट्वेंटी ही हो जाएगी तो हमारी वेब कुछ इस टाइप की होगी ठीक है अब इस में क्या है कि फिर से हमें यहाँ पर नोट चाहिए ठीक है फिर से हम ड्रॉ करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी और ये फिफ्टी हमारा ठीक है ऑलमोस्ट थोड़ा अप्रॉक्सीमेट डायग्राम है इसका तो ये हो गया हमारा कितना ट्वेंटी ये हो गया ट्वेंटी और ये टेन लेमडा बाई टू ये हो गया फिफ्टी तो यहाँ पर भी नोड बनेगा अब क्योंकि सब के ये भी हमारा सिक्सटी है जो टेन के मल्टीपल पे हैं और हमारा जो लेमडा बाई टू जो नोड भी बन रहे हैं वो भी टेन के मल्टीपल में ही बन रहे हैं इसलिए हमारा ये भी कंप्लीटली इसके इसके भी जो दो दोनों एंड होंगे वो भी नोड्स होंगे ठीक है इसलिए हमारे लैमडा इक्व टू जो सिक्सटी है ले सॉरी इसलिए हमारा जो लेमडा इक्व टू ट्वेंटी सेंटीमीटर आ रहा है वो हमारी होगी अप्रोप्रिएट वेवलेंथ ठीक है तो v होता है F lambda, है? और हमें चाहिए है F v lambda, है? तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी वायर के लिए वेलोसिटी होती है वैल्यू तो हो गई टू हंड्रेड ठीक है तो फ्रीकवेंसी होगी हमारी 200 हंड्रेड बाई लैमडा लैमडा की वैल्यू हमारे केस में कितनी आ रही है लैमडा इज इक्व टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी इंटू टेन टू द पावर माइनस टू ठीक है